कल रात जो हमारे पास 5 केस की जानकारी आई थी, उन केसेस में से 4 केस इंदौर के थे और एक केस उज्जैन का था। उज्जैन की रहने वाली 65 वर्षीय जो महिला हैं दीपी अली, आज उनका बड़ा दुखद घटना है, उनका निधन हो गया है। वो शी वाज अंडर ट्रीटमेंट और जब प्रॉपर डायग्नोस किया तो उनका कल जो SpO2 का लेवल होता है वो काफ़ी कम हो गया था, 70% सेचुरेशन के स्तर पर आ गया था। उनको बहुत ही हाई डायबिटीज़ भी थी और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी उनको डायग्नोस की गई थी। डॉक्टर्स ने काफ़ी प्रयास किया उनको अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट देने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली ये किस तरह संक्रमित हुई थी सर और किन किन के संपर्क में आई थी उन लोग को? इमीडिएटली जो 5 लोग हैं जिनको टेस्ट पॉजिटिव आया है, उनके जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट हैं उनके 5ों के फैमिलीज़ में जाकर हमारे टीम से उनको ट्रेस कर लिया है। करीबन 29 लोग हैं, उन 29 लोगों की भी प्रारंभिक स्क्रीनिंग कर ली है। अभी तक उनमें से किसी में भी कोरोना के पॉजिटिव सिम्टम्स नहीं हैं। 29 के 29 व्यक्ति जो हैं वो टोटली एसिम्प्टोमेटिक हैं। ये सब महिला कैसे संक्रमित हुई थी जो उज्जैन वाली जिसकी डेथ हुई है, ये कहीं विदेश से आई थी? कहाँ की, बाहर से आए थे सर क्या? अभी क्योंकि वो महिला उज्जैन की हैं तो उज्जैन से हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है तो उसके बड़ी भी सीनियर जानकारी प्राप्त हुई है। जो हमारे इंदौर के जो 4 लोग हैं उनकी हमने प्रॉपर ट्रैकिंग कर ली है। आई थिंक 1 घंटे में जो उज्जैन की जो पूरी ट्रैकिंग उज्जैन एडमिनिस्ट्रेशन तैयार की होगी वो डेटा हमसे जल्दी शेयर करें। सर चूंकि इसको हेल्थ रिलेटेड अदर इश्यूज भी थे तो क्या हम ये कन्फर्म कह सकते हैं कि इसकी जो डेथ हुई है वो कोरोना वायरस से हुई है? देखिए जो मेडिकल ओपिनियन जो डॉक्टर्स ने भेजी, सीनियर डॉक्टर्स ने भेजी है, उसमें जो डायग्नोस हुआ है उनको और भी चीज़ें उनको डायग्नोस हुई हैं और उनको हेल्थ एलिमेंट पहले से ही थे जिसके कारण उनकी डेथ हुई। सर दूसरा ये कि ये जो बॉडी सर डेथ नहीं माने इसको, जो डॉक्टर की रिपोर्ट है उसको वो मैंने अभी आपसे शेयर किया है। सर बॉडी डिस्पोजल के लिए क्या गाइडलाइन? हाँ पॉजिटिव थी जी। बॉडी डिस्पोजल के लिए क्या गाइडलाइन है? बॉडी डिस्पोजल के लिए जो गाइडलाइंस हैं, जो पूरा प्रोटोकॉल डिफाइन किया गया है कि एक बॉडी सूट में पैक करके और डिसइंफेक्टेंट यूज़ करके और जो उस बॉडी को हैंडल करेंगे उनको भी प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर दिया गया है और पूरे प्रोटोकॉल का पालन करके ही बॉडी डिस्पोज की जाएगी। सर हेल्प सेंटर वगैरह का नंबर कोई जारी किया है पब्लिक के लिए अवेयरनेस के लिए और किस तरह की अवेयरनेस रखना चाहिए? अवेयरनेस में 2-3 चीज़ें हम लोगों ने प्रयास की हैं। कल हम लोगों ने शाम को एक फेसबुक लाइव इवेंट प्लान किया था और उसको काफ़ी लोगों ने उसको सुना और अपनी क्वेरीज जो थी उनको उसको रिड्रेसल हुआ है। इसके अतिरिक्त हमारा जो कॉल सेंटर है वो लाइव है और हमें रोज़ कम से कम अभी ऑलमोस्ट 100-100 कॉल तो आने ही लगे हैं। वो हम लोगों ने उसको राउंड द क्लॉक करने का प्रयास किया है। नंबर सर स्पेसिफिक उसको 0731 और 567333। अच्छा सेकंड सर कर्फ्यू जो है लगा दिया गया है, क्या स्थिति है सर शहर में, किस तरह की छूट दी जाएगी? अभी जो हमारा जो इमीडिएट रिस्पांस था, क्योंकि कोरोना की रोकथाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप यही है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं और मैक्सिमम पॉसिबल अपने घरों में रहें, उसको सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों ने आज तत्काल प्रभाव से दोपहर ऑलमोस्ट 2 बजे कर्फ्यू इम्पोज किया हुआ है। कर्फ्यू के दौरान हमने ये निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा, मात्र जो एसेंशियल सेवाएं हैं या जो हमारे अधिकारी हैं कर्मचारी हैं जो लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी पे हैं या जो बाकी व्यवस्था मैनेज कर रहे हैं उनको एग्जम्पशन दिया गया है। इसके अलावा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं जो एसेंशियल बेसिकली काम कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो फूड प्रोसेसिंग या फूड मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां हैं, ड्रग्स फार्मा सैनिटाइजर मास्क इन सभी निर्माण जो इकाइयां हैं इन सभी को एग्जेम्पशन दिया गया है। आम जनता को असुविधा ना हो, दैनिक रोज़मर्रा की जो आवश्यकताएं हैं वो उन्हें नियमित रूप से मिले, इसके लिए जो रिलैक्सेशन है वो उसकी करीबन 7 घंटे की अवधि है, वो कल मॉर्निंग से प्रारंभ हो रहा है और जिसकी अवधि सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक है। इस अवधि में सारे शॉप्स, किराने की दुकानें खुलेंगी, दवाई की दुकानें अभी भी खुली हैं और कल भी खुली रहेंगी, पेट्रोल पंप हैं, बैंक्स हैं और एसेंशियल तरह की जो सेवा जो सर्विसेज हैं इन्हें ऐसा अलग से कोई परमिट कार्ड जारी किया जाएगा जो दुकानें खुलेंगी या ये एक ब्लैंकेट आदेश है, इसके लिए अलग से किसी को भी परमिट लेने की आवश्यकता नहीं है और हम लोगों ने काफ़ी मैसेजिंग कराई है और जितने भी हमारे एसोसिएशन से अलग अलग व्यापारी प्रकोष्ठ होते हैं उन सभी तक हमारा मैसेज पहुंच गया है और सभी इस चीज़ पर। सर PM के कॉल के बाद कल भी देखने को मिला था कि पैनिक सिचुएशन
सो कॉल्ड थी, लोग भाग रहे थे दुकानों की तरफ, किराना दुकान, सब्जी दुकान। कल का भी ये एक्सपेक्टेड थोड़ा है कि 7 से 2 में लोगों में पैनिक ना हो, क्या अपील और क्या व्यवस्था आपकी तरफ से की गई है इसको? 7 घंटे की अवधि मुझे लग रहा है बहुत काफ़ी एक लंबा ड्यूरेशन है, और लोगों से यही अपील है कि अपने आसपास के जो लोग हैं उनसे फ़ोन करके पूछ लें, और जब तक कि वहाँ पे भीड़ कम नहीं हो रही हो वहाँ पे ना जाएं। इसके अतिरिक्त नगर निगम के जो हमारे फोर्स है और हमारे कुछ नगर रक्षा समिति के वॉलेंटियर्स हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ और सोशल वॉलेंटियर्स को हम लोग एनलिस्ट कर रहे हैं, उनको हम लोगों ने प्रयास किया है कि दुकान के आगे चूने की लाइन डाल दें, जिसमें आपस में जो अपने आप एक सोशल डिस्टेंसिंग का काम करे, ताकि लोग बहुत पास पास खड़े ना हो। तो इस तरह का एक प्रयास करने जा रहे हैं, होपफुली कल परिणाम बहुत अच्छे होंगे।